आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। महंगाई की मार लगातार जनता पर पड़ रही है, नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। आलम ऐसा है कि अब चोरों की नजर नींबू पर पड़ चुकी है। यूपी के कई इलाकों में नींबू चोरी होने लगे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नींबू के दाम इतने क्यों बढ़े हुए हैं, इसी का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी यह रिपोर्ट। महंगाई ने लगाई आग, नींबू पर चोरों की नजर, नींबू ने निचोड़ी जनता की जेब, महंगाई ने खराब किया नींबू का स्वाद, अब नींबू पर पड़ने लगा डाका, नींबू की रखवाली करने को मजबूर किसान। नींबू आम आदमी की बजट से हर दिन दूर होता जा रहा है। ऐसे बेहद कम मौके आए हैं जब नींबू की कीमतें 300 पार हो गई हो। दिल्ली एनसीआर के थोक बाजार में नींबू की कीमतें 350 रुपए प्रति किलो पहुंच गई हैं। नींबू पर महंगाई की ऐसी मार कभी नहीं पड़ी है। नींबू ने आम आदमी के किचन का स्वाद और खट्टा कर दिया है। लोग नींबू नहीं खरीद पा रहे हैं। नींबू की बढ़ी हुई कीमतों से सिर्फ ग्राहक ही नहीं बल्कि दुकानदार भी प्रभावित है। लखनऊ में सब्जी की दुकान चलाने वाली वसुंधरा कहती है कि उन्होंने नींबू बेचना बंद कर दिया है। वजह पूछने पर वसुंधरा कहती है कि 300 रुपए प्रति किलोग्राम नींबू हम खरीद भी ले तो हमसे कौन नींबू खरीदेगा। यही हाल ठेके पर लाद कर सब्जियां बेचने वाले दिनेश का भी है। वह कहते हैं कि हम जितने में नींबू खरीदेंगे उतने में कई और किलो दूसरी सब्जियां मिल जाएंगी। लोग ठेले पर नींबू खरीद ही नहीं रहे हैं, एक पाव भी नहीं बिक रहा है। कुछ और दूसरे दुकानदारों का भी यही मानना है। आखिर क्यों नींबू की कीमतें कम नहीं हो रही हैं? छोटे रेस्टोरेंट में फ्री में मिलने वाली नींबू पानी भी अब बंद हो गया है। क्यों बढ़ रही हैं नींबू की कीमतें, आइए समझते हैं। नींबू की देश भर में किल्लत हो गई है। सबसे बड़ी वजह यह है कि देश में जिन हिस्सों में नींबू का उत्पादन व्यापक स्तर पर होता है वहां भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी की मार की वजह से नींबू उत्पादन प्रभावित हुआ है। नींबू के फल शुरुआती दिनों में भी तबाह हो रहे हैं, जिसकी वजह से उत्पादन पर बड़ा असर पड़ा है। तेज हवाओं और गर्मी की वजह से नींबू के फूल गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन प्रभावित हो रहा है। यह भी एक बड़ा कारण है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे इलाके में नींबू की खेती बड़े स्तर पर होती है। इन इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, गर्मी की वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ गया है। एक तो नींबू की किल्लत और दूसरी ओर बढ़ा हुआ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, दोनों ही महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं। महंगा हो गया है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। देश में 22 मार्च के बाद से ही पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें आसमान छूने लगी है। इसी वजह से हर उत्पाद पर इसका असर पड़ रहा है। शिमला मिर्च, नींबू, टमाटर और दूसरी सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। स्थानीय सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि उन्हें खुदरा बाजार में बढ़ी हुई कीमतों पर खाद्य उत्पाद मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ज्यादा कीमतों पर लोग सब्जियां बेचने के लिए मजबूर हैं। शादियों के सीजन की शुरुआत भी हो चुकी है, ऐसे में फंक्शन के लिए नींबू की डिमांड और बढ़ गई है। उत्पादन कम है और डिमांड ज्यादा, इस वजह से भी नींबू के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। गर्मी के दिनों में वैसे भी गन्ने के रस से लेकर नींबू पानी तक हर जगह नींबू की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इन दिनों पहले भी नींबू के दाम बढ़े हैं। वहीं गुजरात में तेज हवाओं की वजह से फसलों को भी नुकसान हुआ है। दूसरे राज्यों में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की वजह से भी नींबू महंगा हुआ है। फिलहाल नींबू की कीमतों में कमी आती नजर नहीं आ रही है। आने वाले दिनों में नींबू और भी महंगा हो सकता है। प्राइम टीवी के लिए त्रिशला यादव की रिपोर्ट। हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।